I've been dreaming on in my head. Hey guys, देखिए आप सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, सनराइज बहुत ही प्यारा लगता है यार पेड़ों के पीछे। वाव, सो नाइस डूड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग वीडियो डूड। तो आज मॉर्निंग टाइम हो गया एंड मैं जाग गया हूँ। तो गाइस, काफ़ी टाइम हो गया आज, आई एम वेरी लेट टुडे बिकॉज देखिए यहाँ से सूरज भगवान उदय हो चुके हैं। राधे 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 सर। तो पांडे जी, ओ भाई साहब, छोटा पैकेज लेकर आए हैं, इसको हम ही खाली करेंगे, डोंट वरी। अब एक मशीन आने के बाद इतनी सी बोतल में क्या होगा भाई साहब, एक एक घूंट से पीना नहीं है। अच्छा, घूंट से रनिंग, चलो चालू करो। तो भैया पांडे जी फाइनली ले आए बोतल, तो चलते हैं यार, अभी ऑन द वे हैं एंड काफ़ी लेट हो गए यहाँ बेसिकली, और जल्दी से पहुँचते हैं अपने पॉइंट पे। और पांडे जी को काफ़ी सिक्स पैक वाली एक्सरसाइज करनी है आज। कितने शर्ट लगाओगे? 300 लगाएंगे यार। पक्का? किसके चीज़ के लगा लो? तो चलते हैं दूर और देखते हैं आज का सीन बंदा क्या है बड़ी। हे गाइस, तो यार हम लोगों को बेसिकली काफ़ी टाइम हो गया है एंड अभी पहाड़ पे थे ऑन द माउंटेन, तो वहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज चली। एक्सरसाइज के बाद जस्ट अभी जा रहे हैं रास्ते में, और पांडे जी ने देखिए बोतल पूरी खाली कर दी है, ये अंदर गया और पसीने से बाहर आया, वेरी गुड। तो चलते हैं डूड अभी ऑन द वे। तो गाइस, मॉर्निंग का सीन कुछ बेसिकली ऐसा ही स्टार्ट हो रहता है मेरा, और इसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ये भैया जी कर रहे हैं काम, राम राम दादा। एंड अभी आगे वर्कआउट बहुत जरूरी है मॉर्निंग टाइम में, वर्कआउट एक घंटा दो, लेकिन अपने आप को दो, और पनीर के बाद उसको पचाने के लिए कुछ ना कुछ पकाना पड़ेगा। बंद कर दो समोसा थोड़ी, बंद कर दो, ये सब 15 दिन में एक दिन फटका लो। अच्छा, देखिए ट्रक जा रहा है यार पीछे। तो रूड यार, लाइफ साइकिल ऐसे चलता रहता है, अभी मॉर्निंग से कुछ ज़्यादा रॉकिंग नहीं रहता है, पास पांडे जी के पैक रॉकिंग है, बाकी सब तो बेकार है, रियलिटी एक ही है। हो रहा धीरे धीरे असर होगा, असर क्या है, धीरे धीरे हो सर होता। अच्छा, अब एक आएक देखोगे उस चीज़। हाँ, स्लोली स्लोली। अरे इधर देख के करो यार। ओ बॉस, वाओ, ये कौन सा थोड़ा मटक के, हाँ ऐसे, ये देखो इनका वार्म अप चल रहा है। बॉस का वार्म अप कर रहे हो हैं? दिल्ली वाले बॉस, बम्बई वाले बॉस तो धीरे धीरे कर रहे हो यार, तुम भी ऐसे मटक के दिखाओ यार, ऐसे मटको जैसे ये मटक रहे हैं। ये कौन सा वार्म अप है? चल दे दे, ठीक है, ठीक है, थक गए हो? इतने में थक गए? गुड बाय, बाय बाय, बाय बाय बाय। ये बियान को देखो, मेरे पापा क्रिकेट खेल गए थे आज, मैं मतलब कल। वाओ, तुम वो नहीं गया था। अच्छा, एक काम कर, तो फर्स्ट में है, इतना बड़ा बच्चा फर्स्ट में है, और आप फोर्थ में हो? अच्छा अच्छा, 5 साल का हूं। ओके ओके, तुम्हें टेबल कहाँ तक आती है? 12 तक टेबल आती, फिफ्थ क्लास में होने के बाद फोर्थ क्लास। हाँ, तो फोर्थ में 12 तक टेबल आती है। हाँ मामा ने यहाँ तक सिखाई। 13 की नहीं आती है? 13 की देखो भाई साहब, बम्बई वालों का यहाँ है भाई साहब, 32 तक आती है, 32 तक। 32 तक, हाँ 13 में 13 जा तक आती है मुझे। हाँ 30 तक आती है, वाह वेरी गुड। 18 की सुनाओ। 18 की नहीं, कुछ नहीं आता है तुम्हें, चलो 9 की सुनाओ, 9 की सुनाओ, चलो 9 की सुना दो, 9 की टेबल सुनाओ। 9 1 9, हाँ, और इसको 9 की टेबल, 9 की, तो 5 का आता है, 5 का मतलब 9 3 या 7 9, हाँ 9 4 जा, रहने दे उसको। 36 9 5 जा, इतनी इस स्लो स्पीड में सुनाओगे ना तो पता डुगू हंसेगा हमारा, डुगू जो है 45। अरे इतनी जल्दी थोड़ी ना आती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 9 की टेबल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे बॉस हो यार बयान। 9 की नीचे मुझे लिख के आती है, लिख के लिख के क्या फायदा है यार,
ये देखिए बम्बई किंग 9 की टेबल नहीं आ रही है इसको तो 5 की भी नहीं आ रही, कहाँ गया वो? अबे वो बंदर ऊपर है, ये बंदर को तो 5 की नहीं आ रही है भाई साहब, इसको 5 की भी नहीं आ रही है बंदर को। हे रूट, तो यार फाइनली घर पे आ गए एंड अभी नहा धो के रेडी हो गए एंड देन अभी जस्ट निकलना है गाइस शॉप पे, क्योंकि इस टाइम पे शॉप का प्लान रहता है रूट। एंड मॉर्निंग में घूमने के बाद थोड़ा सा माइंड फ्री हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में यार काफ़ी अच्छी फ्रेश एयर चलती है। एंड रूट अभी चलते हैं जस्ट शॉप पे और देखते हैं वहाँ का सीन। तो शॉप की चाबी ले ली एंड अपनी रामप्यारी की चाबी भी ले लेते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस काफ़ी तेज़ धूप हो गई है, देख सकते हैं आप ऊपर की साइड सूरज भगवान कितने जोर से निकल रहे हैं। जो फर्स्ट में I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day. ये गाइस तो यार अभी शॉप पर आ गए थे एंड शॉप की पूरी क्लीनिंग क्लीनिंग करने के बाद जस्ट रोड में अभी फ्री हुआ हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरे कपड़े यार टंगे हुए हैं और बाहर यार एक गाड़ी रखी हुई है, जिससे कि कस्टमर को आने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी यार। तो दूर बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है यार, मतलब इतनी ज़्यादा धूप अभी से बहुत ज़्यादा धूप है यार। तो गाइस अभी तो बेसिकली कुछ प्लान था नहीं, लेकिन हाँ इवनिंग में अपन लोग कहीं चलेंगे घूमने के लिए, एक मंदिर में जाएंगे, जो मंदिर काफ़ी क्लासिक रहेगा। तो मंदिर के आस कौन सा मंदिर होने वाला है वो सरप्राइज़ है, वहाँ पे पहुँचने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो बेसिकली अभी मुझे कूलर में पानी डालना है, तो पहले पानी भर के लाते हैं मंदिर से एंड फिर डालते हैं इसमें 2 डिब्बे, जिससे कि ये सारा दिन ठंडी ठंडी सी हवा देते रहे। व्हाट्सअप रूट, तो यार मंदिर के अंदर आ गए एंड देन अभी जस्ट यहाँ से फिलअप करते हैं पानी को एंड फिर डालेंगे कूलर में। ये मंदिर है खंडिया वाले हनुमान जी का मंदिर। तो डूट ये रहे वो डिब्बे, इनको फिल करते हैं जल्दी से। ये देखिए पानी आ गया यार बॉल से। पानी पी लेना क्या? बहुत तेज धूप है। तो गाइस ये डिब्बा फुल हो गया है अपना एंड देन दूसरा डिब्बा, 2 डिब्बे लेके जाएंगे। और ये कुआ मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, काफ़ी गहरा है रूट, ये देखो काफ़ी गहरा है, इसमें कचरा पड़ा है पूरे कुएं में। चलो तो मोटर बंद करते हैं। हे व्हाट्सअप रूट, तो अभी अजय भाई आए हैं वहाँ हमसे मिलने के लिए एंड देवेन भाई हैं, एंड देवेन भाई का चैनल है यार DSP कोचिंग के नाम से एंड यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो आप। तो यार गाइस बंदे के 5000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो रखे हैं एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सेकंड स्टेप में। एंड अगर यूट्यूबर्स कोई, अगर बिग यूट्यूबर्स अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो एक इसमें एक हेल्प आप ये कर सकते हो कि एक सजेशन दे सकते हो कि जो सेकंड स्टेप वेरीफिकेशन का होता है एंड उसमें एक एरर आ रही है एंड देन उसमें व्यूज़ क्वालिटी बेस्ट है एंड कंटेंट खुद का है, खुद का क्रिएटिव कंटेंट है ना, खुद का क्रिएटिव कंटेंट है एंड देन एडसेंस में इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। सेकंड स्टेप अगर पूरा नहीं होगा तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं रहेंगे। आप काम कब से कर रहे हो यूट्यूब पे? समथिंग 1 साल हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया है 21 अप्रैल। तो यार इनका कंटेंट खुद का है, मैंने खुद चेकआउट किया था, कंटेंट तो आपका खुद का है ना जी। तो इनका देखते हैं अभी, प्रॉब्लम अगर फिक्स होती है अभी तो ठीक है, वरना इस पर थोड़ा सा और देखेंगे। हे डूड, तो यार वो लोग भैया लोग चले गए एंड उनकी जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स नहीं हो पाई, बिकॉज मैंने ट्राई किया लेकिन यार एक लेवल तक आने के बाद वो फिर से प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही है। तो डूड मैंने उसमें जाना कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि यार मतलब बंदे की 1 साल की मेहनत है एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई टेक्निकल इशू मेरे वजह से भी हो जाता। एंड डूड जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा था तो प्रॉब्लम फिक्स अभी नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने प्लान किया है कि अगर इसकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो इसकी प्रॉब्लम फिक्स कराने के लिए मैं मनोज डे के पास जाऊँगा एंड झारखंड। तो ये प्लान है 2 महीने का बाद का, जब तक मैंने उसे बोला कि भाई सब्सक्राइबर गेन करो एंड देन सब्सक्राइबर रीजिंग उसकी अच्छी है, सब्सक्राइबर गेन बढ़िया हो रहे हैं। बेसिकली वो लोग चले गए एंड देन अभी मैं शॉप पर ही बैठा हूँ। धूप बाहर काफ़ी धूप है, तो देखते हैं आगे का सीन। बड़ी
हे डूड, तो यार सुबह से शाम हो गई है। एंड गाइस, मैंने सोचा था कि आज आपको कहीं टेंपल पे या कहीं पे घूमने का प्लान बना रहा होता मैं। एंड जस्ट यार पूरा का पूरा अभी मौसम चेंज हो गया अचानक से, बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड आंधी आना स्टार्ट हो गई। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, रूट बहुत ज़्यादा हवा चलना स्टार्ट हो गई है यार, मतलब मौसम एकदम से चेंज हो गया, धूल ही धूल उड़ रही है। मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये देखिए गाइस, पूरा मौसम चेंज हो गया है। एंड अभी 4 o'clock हुए हैं और इतना ज़्यादा बादल, पूरे बादल बादल हो गए, हवा चल रही है बहुत ज़ोर से। देखिए पेड़ को हिलते देख सकते हैं आप, सभी जगह धूल ही धूल है यार। ये देखिए धूल ही धूल, देखिए आप कितने आसमान में रोशनी बरसा रहे हैं चंदा मामा दूर के, क्या शानदार सीन है पेड़ों के ऊपर। व्हाट्सअप गाइस, तो यार हम आ गए हैं फाइनली अपने घर पे। एंड रूट, सारा दिन की भाग दौड़ खत्म होती है मेरे इस स्वीट रूम में रूट। एंड आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर लेना रूट। एंड गाइस, बेसिकली मुझे आज कहीं जाने का प्लान नहीं हो पाया क्योंकि यार गाइस आज मौसम अलग अचानक से चेंज हो गया और बहुत ज़्यादा तूफान चलने लगा। एंड रूट, बहुत दिनों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड जल्दी से सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा मज़ा आए और अच्छे से ब्लॉगिंग करने के लिए। तो गाइस फिर अपने ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए एंड के साथ, तब तक ये बात कहेंगे कि अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लेना एंड चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना रूट। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए एंड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।